आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें एनडीआरएफ के स्नीफर डॉग की है, जो ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद मलबे में फंसे जिंदा लोगों की तलाश कर रहा है। हादसे के एक घंटे के बाद ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। हादसे की गंभीरता के बाद फौरन स्नीफर डॉग्स को भी मौके पर लाया गया। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं, इससे पहले सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत मलबे में फंसे जिंदा लोगों को बचाना था। ऐसे में भारत ने मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ 4 स्नीफर डॉग्स भी भेजे थे, जिनकी मदद से वहाँ कई जिंदगियाँ बचाई गई। दरअसल इन डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे इन्हें जिंदा इंसान की गंध आ जाती है और वो भौंकना शुरू कर देते हैं, और फिर उनके सिग्नल पर पीड़ितों की तलाश की जाती है। बहरहाल, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में अब तक करीब 290 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही इस एक्सीडेंट में 900 से ज़्यादा यात्री घायल हो चुके हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के अनुसार 650 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके वारदात पर पहुंचे। वहीं पीएम मोदी भी हालात की समीक्षा के लिए बालासोर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।